आज की हमारी कहानी है टू फ्रॉक्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को देखते हुए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में पता लगाएं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबोर्ड, अबोर्ड का क्या मतलब होता है, ये भी जानने की कोशिश करें इस कहानी के माध्यम से। साथ में हम लोग ट्रांसलेशन तो करेंगे ही करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी टू फ्रॉक्स। दो मेंढक एक ही तालाब में रहते थे। ट्रांसलेट इट, हैविंग प्रॉब्लम, एक ही को हम लोग इंग्लिश में सेम कह सकते हैं, बन गया। टू फ्रॉक्स लिव्ड टुगेदर इन अ सेम पॉन्ड। जब गर्मी की तपिश को हम लोग बोलेंगे द समर्स हीट, और हम लोग द हीट ऑफ द समर भी कह सकते हैं, के कारण ड्यू टू सूख गया, ड्राइड अप। तो चलिए बना लेते हैं सेंटेंस। व्हेन द पॉन्ड ड्राइड अप ड्यू टू द समर्स हीट, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और एक दूसरे घर के लिए एक साथ निकल पड़े। उसे छोड़ दिया को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट डेट, एक साथ निकल पड़े को हम लोग बोलेंगे सेट आउट टुगेदर। बनाइए, यस, दे लेफ्ट डेट एंड सेट आउट टुगेदर फॉर अनदर होम। वे पानी से भरे एक गहरे कुएं के पास से गुजरे। पानी से भरे के लिए हम लोग इंग्लिश में लेंगे फुल विथ वॉटर, पास से गुजरे को इंग्लिश में हम लोग लेंगे पास्ड अलोंग विथ। तो इंग्लिश बना लेते हैं, दे पास्ड अलोंग विथ अ डीप वेल फुल विथ वॉटर। मेंढकों में से एक ने दूसरे से कहा, वन ऑफ द फ्रॉग सेड टू द अनदर, हमें यहां अपना निवास बनाना चाहिए। वी शुड मेक आर अबोर्ड हेयर। जी हां, अबोर्ड का मतलब होता है निवास, रेसिडेंस। तो अब आप लोगों को पता चल गया अबोर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपको पता लगाना है कि इस कहानी का मॉरल क्या है, क्या शिक्षा इस कहानी से हमको मिलती है, तो बने रहिए अभी वीडियो के साथ। दूसरे ने बड़ी सावधानी के साथ उत्तर दिया। सावधानी के साथ को हम इंग्लिश में ले सकते हैं विथ ग्रेट कॉशन। द अदर रिप्लाइड विथ ग्रेट कॉशन। लेकिन मान लीजिए कि अगर पानी सूख जाता है तो हम इतनी बड़ी गहराई से फिर से कैसे निकल सकते हैं। मान लीजिए को हम लोग लेंगे सपोज डेट। इतनी बड़ी गहराई को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं सो ग्रेट डेप्थ। जी हाँ, गहराई का मतलब होता है डेप्थ, इतनी बड़ी गहराई, सो ग्रेट डेप्थ। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। बट सपोज दैट इफ वॉटर गेट ड्राइड अप देन हाउ कैन वी गेट आउट अगेन फ्रॉम सो ग्रेट डेप्थ। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए। हैव अ नाइस डे।